हरियाणा के झज्जर जिले में ब्लैक फंगस से 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसकी पुष्टि खुद जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस से दम तोड़ने वाले इन मरीजों का इलाज झज्जर सांपला मार्ग पर स्थित वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। साथ ही वर्ल्ड कॉलेज में अब ब्लैक फंगस के 6 मरीज भर्ती हैं और 2 मरीज झज्जर जिले के हैं और 4 मरीज रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं। बताया जा रहा है कि जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत होने के साथ साथ कोरोना से 15 मरीजों की मौत होने की भी पुष्टि की है। वहीं जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 226 लोगों की मौत हो चुकी है और मौजूदा समय में जिले के अंदर 848 कोरोना के एक्टिव केस हैं। विभाग द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ निरंतर गिर रहा है, हालांकि मौतों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के केस निरंतर बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर गांव की स्क्रीनिंग कर रहा है। ब्लैक फंगस की आप बात कर रहे हैं, इस समय घेरावर मेडिकल कॉलेज में 9 केस एडमिट हैं, जिनमें से 5 हमारे जिले के थे और 4 रेवाड़ी के थे। उन 5 में से 3 की डेथ हो गई है और बाकियों का इलाज चल रहा है वहाँ पे। कोविड कल जो बुलेटिन जारी हुआ था उसमें ये डेथ दिखाई गई थी, कोविड से 15 डेथ हुई है, ये कब के मामले हैं? देखिए, डेथ जो भी दिखाई जाती है, हमारे पास जब डेथ होती है तो उसके बाद हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, उसका पूरा रिकॉर्ड मंगा के उसको ऑडिट करती है 4 मेंबर्स की कमेटी। जब ऑडिट में क्लेरिफाई हो जाता है कि ये डेथ कोविड से हुई है तो ही उसको अपलोड करते हैं हम लोग। सर, ब्लैक फंगस की दवाई का शॉर्टेज है या कितनी मात्रा में है अभी अपने पास? नहीं, ब्लैक फंगस की जो मेडिसिन है एम्फीटेरोमाइसिन भी, वो सेंट्रल कमेटी है 4 डॉक्टरों की जो डिसाइड करती है। जिस भी मेडिकल कॉलेज में पेशेंट एडमिट होता है, एक वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड करते हैं वो, और वो कमेटी जांच करके कि उस मरीज को कितनी उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत अनुसार देती हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।